आज बड़ा एक्शन में दिख रहा है उस पर जरा जानकारी ले ली जाए, और वो है सिरमा एसजीएस। सीएलएसई की रिपोर्ट ने आज कमाल ही कर दिया इस शेयर को लेकर। स्टॉक 10% ऊपर खुला, अब 4% ऊपर है, लेकिन देख लेते हैं क्या कुछ एक्शन स्टॉक में है और क्यों है, रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ लिखा है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, पॉजिटिव रिपोर्ट है। सीएलएसई ने कवरेज की शुरुआत की है बाई रेटिंग के साथ, 645 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य दिया है। मौजूदा भाव से देखेंगे तो करीबन आपको 24% का यहाँ से अपसाइड दिखेगा। सीएलएसई ने काफी क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन दिए, उनका कहना है कि डाइवर्सिफिकेशन कारोबार है कंपनी का, और जो कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है वो इंडस्ट्री लीडिंग है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का फोकस हाई मार्जिन कारोबार पर है, फ्लेक्सिबल वॉल्यूम कैटेगरी पर भी कंपनी का पूरी तरह से फोकस बना हुआ है। उनका ये भी कहना है कि इनऑर्गेनिक विस्तार जो कंपनी करेगी उससे भी ग्रोथ को सहारा मिलते हुए दिखेगा। कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च कंटिन्यूअसली करती रहती है, और अभी फिलहाल लाइटिंग, एरोस्पेस और हेल्थ केयर पर कंपनी का फोकस है। इन तीनों सेगमेंट में जो विस्तार कंपनी करेगी उससे भी आने वाले क्वार्टर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन्स पर सीएलएसए की पूरी नजर है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा डेंट यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन आगे चल के जो कंपनी ने कहा कि हम हाई मार्जिन कारोबार पर ही फोकस करेंगे तो यहाँ पर रहेगी नजर। सीएलएसए ने एक इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट किया कि ये कंपनी ऐसी है जो सही इंडस्ट्री में सही समय पर है, क्योंकि ये वाली इंडस्ट्री डबल डिजिट से ज़्यादा की ग्रोथ आगे चलकर देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसके चलते FY 2023-26 में आई की जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो 38% से ज़्यादा की यहाँ पे सीएलएसए कंपनी पर लेके चल रहे। तो बड़ा लक्ष्य है, 24% से ज़्यादा का अपसाइड यहाँ पे सीएलएसए को नजर आता है। 645 रुपये का दिया है लक्ष्य, और बाय की रेटिंग के साथ आज कवरेज की शुरुआत की है। बिल्कुल, और सिरमा एसजीएस में आज हम बड़ा एक्शन भी देख रहे हैं, 5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अनिल जी ने भी खरीदारी की राय दी थी और उनके भी रेडार पर है, हालांकि उन टारगेट्स के ऊपर है। सर ने भी कहा था कि अच्छे लेवल्स पर आए तो वापस एंट्री ले सकते हैं, बट इस पर अच्छा एक्शन बन रहा है। एक बार जैन साहब से जरा इस पर राय लेते हैं। जैन साहब, कवर करते हैं सर सिरमा एसजीएस, बड़ा कन्विक्शन आया सर सीएलएसए की तरफ से। देखिए, ये रिसेंटली इसका आईपीओ भी आया था, और आईपीओ के दिनों से वैसे मैं बहुत ज्यादा बुलिशली रेकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन इन सारे स्टॉक्स की बहुत ज्यादा लगती है। मतलब ठीक है, मतलब ईएमएस वाली कंपनियां है, बढ़िया बात है, पीएलआई और ये सारी चीजें चल रही है, और दूसरे स्टॉक्स भी बहुत हायर वैल्यूएशन पे है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, और इसको मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है इस पूरे सेक्टर को, और सिरमा पे आज पॉजिटिव न्यूज भी आ गई। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि एक लेवल अच्छा है, क्योंकि इस लेवल पे ऐसी न्यूज आ जाती है, जो अगेन मैं 200 डेमा की बात कर रहा था, और स्मॉल कैप मिड कैप काफी करेक्टेड भी हुए, तो उस पिटाई में इसको भी पिटाई खानी पड़ी है, तो नीचे आया हुआ 10,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो बाउंस बैक भी कर सकती है इजिली। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने लिया वो होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे, तो मैं थोड़ा सा दूसरे स्टॉक्स पे ध्यान देने बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप में काफी सारे स्टॉक्स है जो अच्छा खासा करेक्ट हो चुके हैं, और पीएसयू स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है। वो पीएसयू कौन सा, पीएसयू कौन सा सर? नहीं, इनका इनसे रिलेटेड पीएसयू नहीं है कोई भी, इनसे रिलेटेड पीएसयू कोई भी नहीं है, बट मैं जनरली पीएसयू स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, इनकी बात कर रहा हूँ। बाकी सिरमा या एसजीएस इज अ गुड स्टॉक, अच्छा तो लेवल पे है तो चलेगा तो सही यहाँ से, बट मुझे थोड़े से वैल्यूएशंस हायर साइड पे लगते हैं। 80-85 का पी मल्टीपल, ये सारे जो भी ईएमएस वाले या फिर एग्रीगेशन में सारों को बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू कर रहा है।